तो की हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं न्यूनमैन और आज हम बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा, आशीष चंचलानी रिसेंटली एक फैमिली फ्रेंडली वीडियो अपलोड किए थे जिसका टाइटल था द मम्मी, एंड ये वीडियो उनका काफी ज्यादा वायरल हुआ एंड बहुत अच्छा चला। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचलानी ये कहे, हेलो गाइस, जो हमारा लास्ट वीडियो था द मम्मी, जो एक हफ्ते पहले रिलीज हुआ था, उसे यूट्यूब पर मिले 12.5 मिलियन व्यूज। इंस्टाग्राम पे जो शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स अपलोड किए वो टोटल मिला के हुए 3.7 मिलियन व्यूज ओनली ऑन इंस्टाग्राम। एंड फेसबुक पर भी वो वीडियो वायरल हुआ विथ 8 मिलियन व्यूज। सो अगर आप इस सारे व्यूज टोटल करें तो एक हफ्ते में इस वीडियो को ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स मिला के 24 मिलियन व्यूज आए। एंड लाइक्स जो बोलते हैं ना, लाइक्स टोटल में सबके मिला तो 2 मिलियन प्लस लाइक्स आए हैं। दिस इज क्रेजी गाइज, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। मेरा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी वीडियो से कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। आई जस्ट थैंक यू फॉर दिस। ऑल्सो इनका ये वाला वीडियो 1 मिलियन प्लस लाइक्स यूट्यूब पे क्रॉस कर चुका है, सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में। तो आपको पता होगा कल इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल मैच था। ये बहुत ही ज्यादा क्लोज मैच था एंड विद द फाइनेस्ट ऑफ मार्जिन इंग्लैंड कल वर्ल्ड कप जीत गया। इस चीज के ऊपर इंडियन यूट्यूबर्स रिएक्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष चंचलानी ये लिखे, इजिली द ग्रेटेस्ट फाइनल मैच आई हैव एवर सीन इन माय एंटायर लाइफ टाइम #इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। देन वो लिखे, न्यूजीलैंड हैड द मोस्ट एपिक कमबैक दिस ईयर #इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। देन ट्रिगर्ड इंसान अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये डाले, मैच टाइड, वॉट अ फाइनल। एंड देन कैरी मिनाटी ये लिखे, कल सुपर ओवर भी तो जान ही ले ली। सो अगर आप ये मैच कल देखे थे उसके बारे में क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो मैंने अपने एक रिसेंट वीडियो में आपको बताया था कि कैरी मिनाटी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन द ट्रेंडिंग पेज कि उनका वीडियो ट्रेंडिंग लिस्ट में नहीं आ रहा था, जबकि उसमें बहुत अच्छे व्यूज एंड लाइक्स आ रहे थे। बट फाइनली उनका रिसेंट Q&A वीडियो ट्रेंडिंग पेज में गया एंड इट इज करेंटली #2 इन ट्रेंडिंग। इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए कैरी मिनाटी उसी वीडियो के पिंड कमेंट में ये लिखे, आ गई ट्रेंडिंग पे आ गई। सो या दिस इज अ रियली गुड थिंग फॉर कैरी मिनाटी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं गरीबों के बारे में। तो गरीबों आज अपने चैनल में लाइव आए थे एंड वो एक फेस कैम वीडियो किए फॉर द फर्स्ट टाइम। इस लाइव का टाइटल था गरीब लेट्स टॉक फेस कैम। सो अगर आपको उनका फेस कैम वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एंग्री प्राश के बारे में। तो एंग्री प्राश का इंटरव्यू लिया गया था ऑन द NewsX चैनल। NewsX उनका इंटरव्यू अपने YouTube चैनल में भी अपलोड किए हैं, सो अगर आपको वो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक क्लू गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स। देन विवेक गेमर ने भी कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स। देन द रॉनी गेम्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन योर इंडियन कंज्यूमर ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन फैमिली मेंबर्स। एंड फाइनली ऑल ऑसम फैक्ट्स को मिल चुका है अपना सिल्वर प्ले बटन। सो मैंने मैंने कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं रे डियाज के बारे में। मैंने रे डियाज के बारे में आप लोग को अपने लास्ट वीडियो में बताया था। बेसिकली मैंने बताया था कि रे डियाज कितने सारे इलीगल काम कर रहे थे, जैसे कि एक अंडर एज गर्ल को डेट कर रहे थे एंड देन वो उस अंडर एज गर्ल को फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज भी कर रहे थे। सो इट्स टोटली इलीगल। तो ये सब जब LA पुलिस डिपार्टमेंट को पता चला तो रे डियाज को वो अरेस्ट कर लिए। LA पुलिस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स अपने ट्विटर में ट्वीट किए, आफ्टर अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन LA पुलिस डिपार्टमेंट डिटेक्टिव फ्रॉम द इलाइट रॉबरी होमोसाइड डिवीजन स्पेशल असॉल्ट सेक्शन अरेस्टेड 33-year-old सोशल मीडिया पर्सनैलिटी रे डियाज फॉर सेक्शुअल असॉल्ट इन सैन डिएगो CA विद द असिस्टेंस ऑफ सैन डिएगो PD। रेमोंडो डियाज बेल इज सेट एट $500,000। उसके बाद इस स्टोरी में एक और अपडेट आया जो कि किमस्टार अपने ट्विटर में बताए, रे डियाज इज आउट ऑफ जेल ऑन $50,000 बॉन्ड। तो वो बेल लेके बाहर है अभी। लेट्स सी स्टोरी में आगे क्या होता है, रे डियाज के साथ क्या होता है, मैं आपको जरूर बता दूंगा अपने चैनल में, तो सब्सक्राइब कर देना। तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। ये बेसिकली एक लाइफ अपडेट है। तो अभी मैं रिसेंटली अपना कॉलेज स्टार्ट किया हूँ एंड उसके वजह से शायद थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है मेरा वीडियो का टाइमिंग, या तो थोड़ा पहले हो सकता है या थोड़ा बाद हो सकता है। तो मैं आपको जरूर बता दूंगा इस चीज के बारे में। मेरे को शायद थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सेटल होने में, तब तक शायद थोड़ा सा मैं इनकंसिस्टेंट हो जाऊंगा वीडियो डालने में, बट मैं सारे न्यूज कवर करूंगा, डोंट वरी। अगर किसी दिन छूट गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस स्टोरी को कवर कर लूंगा, सो डोंट रियली वरी अबाउट दैट। न्यूज आपको जरूर मिल जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को सेटल होने में, फिर तो मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कंटेंट बनाने वाला हूँ। तो इसी बात में वीडियो को एंड करते हैं एंड आज का लाइक हम रखते हैं 28,500 लाइक। साइन अप कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर देना यार। एंड अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोगों के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूँ पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आप कोई पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे
डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।